नमस्कार किसान भाइयों, मैं आशुतोष देशमुख। मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर देसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो मैंने नरमा कपास, जिसको मराठी में कापूस बोलते हैं, इस पर आधारित है। इससे पहले भी मैंने कपास के लिए दो तीन वीडियो बनाए हैं, कपास खरपतवार किस तरह से निकाला जाए। ये मेरा कपास है, अभी तक इसकी निंदाई नहीं हुई है, फिर भी इसमें का कपास हमने एक छोटा साइकिल खरपतवार यंत्र है उससे, और छोटा ट्रैक्टर है मेरे पास 18 HP का, उससे उसका पूरा खरपतवार हमने नष्ट कर दिया है। अभी तक निंदाई का कुछ भी इसको खर्चा नहीं है, थोड़ा बहुत आए तो दो तीन लेबर इसमें घुमा के फिर उसमें छोटा कहीं कहीं आए तो निकाल लेंगे। आज का वीडियो जो है कपास में साइकिल सीड ड्रिल से किस तरह से खाद देना चाहिए। अभी तक इसको खाद नहीं दिया है मैंने, पहली बार खाद दे रहा हूँ, इसको फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ कपास को, क्योंकि जब छोटा पौधा होता है उसकी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है, कम होती है, लेकिन अब बड़ा हो गया है इस वजह से आज इसको साइकिल सीड ड्रिल से, जो कि मेरा खुद का इनोवेशन है, मैंने बनाई है मेरे खेत के लिए, उससे हम इसको खाद दे रहे हैं। कुछ कुछ किसान लोग खाद को ऊपर ही फेंक देते हैं, ऊपर फेंक दोगे तो वो ऊपर ही रहेगा, जड़ के पास ज़्यादा नहीं जाएगा। हम इसको इस साइकिल सीड ड्रिल से इस तरह से खाद दे रहे हैं। अब पत्ती के बिल्कुल बाहर दे रहे हैं, जहाँ जो सफ़ेद उसकी जो मूलें होती है उसकी कक्षा में हम उसकी ये दे रहे हैं। अगर आप खाद इसको बो के दोगे तो खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आपके पौधे को या आपके क्रॉप को होगा। अगर आप ऊपर फेंक दोगे तो वो खाद ऊपर ही रहेगा, पानी आए तो बह जाएगा। अगर आप बो के खाद दोगे तो उसका ज़्यादा असर आपको, रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगा। ये मेरा पुराना यंत्र है, अभी इस यंत्र में हमने काफ़ी सुधार किया है। पीछे पट्टी लगाई है ताकि वो मिट्टी उसके ऊपर घात के ऊपर चले जाए, थोड़ा कपास के दूरी पर ही कपास खाद दे रहे हैं, जहाँ उसकी सफ़ेद मूला है वही जगह पे खाद दे रहे हैं। आज पहली बार इसको खाद दे रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे नए वीडियो का आप आनंद ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।